कोड़ी साहब एक मिनट रुकना। मैंने पता है मेरी पत्नी मुझसे क्या कहना चाहती है, मेरी शर्त पूरी करने आई है ना वीरा। तेन पता है ना तेन क्या करना, और मैं घर जब तक नहीं लौटूंगा जब तक वीरा मुझसे माफी नहीं मांगती है, वो भी मेरे दोस्तों के सामने। देव मैं तुझसे माफी मांगने वास्ते आई हूँ, मैं माफ कर दे और अब घर वापस आ जाओ। अब आप लोग जा सकते हो। तो अगर ठिकाने आ गई तेरी, एहसास हो गया तेनू कि तू गलत थी। मैं भी यही कह रहा था कि तूने मेरे खिलाफ जाके बहुत ही गलत काम किया है। एक अच्छी पत्नी कभी भी अपने पति के खिलाफ नहीं जाती है। चल कोई नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तेनु अपने दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करानी थी ना, सो करा ली, कर ली अपने मन की। देख मेरी भी एक गलत सुन ले, ताकि तू किसी गलत फहमी में ना रहे। मैं यहाँ तुझसे माफी मांगने इस वास्ते बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैनू लगता है कि मैंने जो किया वो गलत था, या मैनू मेरे किए पर अफसोस है ना। बिल्कुल नहीं बल्कि तेनू लगता है कि चुनाव में खड़े होकर मैंने तेरी खिलाफत की, तेरे खिलाफ गई मैं, तुझसे पूछा नहीं। बलदेव मैं तेरे खिलाफ नहीं गई थी, सिर्फ मेरे पिंड वास्ते मेरा जो धर्म है वो निभा रही थी। और बात रही तुझसे बगैर पूछे खड़े होने की, तो क्या तूने मुझसे पूछा था? क्या तूने मैनू बताना जरूरी समझा कि तू पंचायत के चुनाव में खड़ा हो रहा है? नहीं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि तू मेरा पति है, मुंडा है तू, सब कुछ करने का अधिकार है तेरे पास और मेरे पास नहीं है, यही समझता है ना तू? देव आज तक मैंने अपने आप को एक अच्छी पत्नी साबित किया है। एक अच्छी पत्नी वही है जो अपने पति की हर गल माने, वो जो कहे वो सही, वो जो करे वो सही, जो उसका कहना है बस आंख मूंद कर मान लो, फिर चाहे वो सही हो या फिर वो गलत हो। हाँ, एक अच्छी पत्नी का फर्ज ये भी तो होता है कि वो अपने पति को सही राह दिखाए, अगर वो कोई गलती करे तो उसे बताए, उसे समझाए, ये भी तो उसी का फर्ज है ना। लेकिन लेकिन तू ये गलत नहीं समझेगा, क्योंकि तेरे आगे तो तेरा गुरूर है ना। वो अभी भी यही सोचती है तो यहां क्यों आई है? हैं? ये सारी बातें बता ले, कैसी पत्नी है तू? मैं एक पत्नी के तौर पर नहीं आई हूँ बलदेव, एक बहू के रूप में आई हूँ जिसे अपने सास की फिक्र है। वो सास जो अपने बेटे के लिए परेशान है, बीमार है। क्या? और अगर तू अभी भी घर वापस नहीं आया ना, तो भाई को पीजी की तबीयत और खराब हो जानी है। बलदेव मैं समझ सकती हूँ कि एक माँ की तड़प क्या होती है जब उसका बेटा उसके पास नहीं होता, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। एहसास है मुझे कैसा लगता है, मैंने अपनी पीछी नू वीर जी वास्ते तड़पते देखा है जब वो जेल में थे, और अब मैं तेरी पीछी नू तड़पते हुए नहीं देख सकती। एक माँ की तड़प किसी के गुरूर से बढ़कर नहीं हो सकती बलदेव, और तू माने चाहे ना माने, मैं जानती हूँ कि पापा जी तेरे वास्ते कितना परेशान है। ऊपर से वो चाहे जो कहे कि उनको फिक्र नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने उनको देखा है तेरे वास्ते परेशान होते हुए। ऊपर सब तो बीजी की भी तबीयत खराब है, वो पागल किए जा रही है पापा जी, इसलिए मैं तुझसे माफी मांगने है। तेरे घर वापस लौटने की यही शर्त थी ना कि मैं तुझसे माफी मांगू, तो आ जाओ घर वापस अपनी बीजी के वास्ते। क्यों बलदेव, शर्त तो पूरी हो गई ना, अब
तो घर वापस आ जा। आज तक मैं अपने आप को तेरे आगे सही साबित नहीं कर पाई। तेरे वास्ते तो मैं हमेशा गलत ही थी। अगर तूने खुद को सही साबित कर दिया हो तो प्लीज घर वापस आ जा। आगे तेरी मर्जी। तो क्या मेरे दूर रहने से तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता? तू पास होगी भी इतना पराया कब हो गया कि मैंने पूरे पिंड के सामने बेइज्जत कर गया? तो तेनू मेरे बिना जीना आ गया? तू खुशी लग रहा है मैंने मेरे बिना यहाँ? देखता हूँ कब तक ये नाटक करती है तू कि तेनू कोई फर्क नहीं पड़ता। तेनू झुकना पड़ेगा वीरा, मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। कुंजन क्यों है तू? तू ठीक तो है कुंजन? इधर आ, तू बैठ जा, इधर बैठ जा, आराम से बैठ जा, इधर कुंजन तो आराम से बैठ जा। कुंजन ने पानी पी लिया। तू ठीक तो है कुंजन? हाँ, पता नहीं दो तीन दिनों से कुछ अजीब सा ही महसूस हो रहा है मुझे। कुछ खाना खाते नहीं बनता, पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है। मैं कल डॉक्टर से। कुंजन कल क्यों डॉक्टर के पास जाना? अभी चलना डॉक्टर के पास, और अभी अस्पताल नहीं तो डॉक्टर के घर चलते हैं। चल मैं चली जाऊंगी। क्या? नहीं कुंजन, मैंने रणवीर कल वैसे भी डॉक्टर के पास जाना है चेकअप के लिए। उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कहा था दोबारा आने के लिए। मैं चली जाऊंगी। हाँ तो फिर मैं भी चलूंगा तेरे साथ। कैसे आ सकता है? तेरी रिकॉर्डिंग है ना कल। कुंजन मैंने याद ही नहीं रहा कि कल तेरा चेकअप है, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं रखवा था। रुक मैं रिकॉर्डिंग कैंसिल करवा देता हूं। बिल्कुल नहीं। क्यों बिल्कुल नहीं? तू मेरी बीवी है कुंजन, और मैं तेनू ऐसे अकेले अस्पताल नहीं जाने दूंगा। मैं बच्ची हूँ क्या? हाँ तू बच्ची नहीं है लेकिन तू मेरी बीवी है, तो तेरी फिक्र करना मेरा फर्ज भी है और हक भी। मैंने बस इतना पता है कि मेरी परेशानी इतनी बड़ी परेशानी नहीं है, पर अगर तूने रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दी तो बड़ी परेशानी हो जानी है। तू जा। ठीक है। लेकिन तेनू वहां जाती मैंने फोन करना कि क्या बोले डॉक्टर ने और क्या नहीं, और अगर तेरी थोड़ी सी भी तबीयत खराब लगी ना तो मैंने बताइयो, मैं रिकॉर्डिंग छोड़ के तेरे पास आ जाना। ठीक है, बता दूंगी। कुंचन? कुछ नहीं फो, पैरों में दर्द हो रहा है। पर तू ये मत कहना कि तू रिकॉर्डिंग कैंसिल करेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैंसिल नहीं करूंगा, लेकिन कुछ और तो कर सकता हूँ। नीचे टेक लगा ले आराम से, बैठ जा। पहलवान जय जी, इतनी रात हो गई है, वीरा का पता ही नहीं कहाँ गई है। तू हर बार उसकी तरफदारी करता रहता है ना, देख लिया नतीजा? पूरी सिर पे बैठ गई है, हाथ से निकल गई है। अरे किसी अच्छी घर के बहू के लक्षण होते हैं क्या, इतनी देर रात तक घर से बाहर रहना, वो भी बिना किसी को बताए। पर जय जी जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, नहीं तो वीरा ऐसा कभी नहीं करती। ओ अब आप क्यों अपने कमरे से बाहर आ गई हो, इतनी तबीयत खराब है आपकी। आप लोग कब से परेशान हो रहे थे तो मैंने भी फिक्र होने लगी।
ओए रब दा शुक्र है तू ठीक ठाक है। ठीक ठाक है इसे क्या होना है, परेशान तो यहाँ हम लोग हो रहे थे ये सोच सोच के कि घर की बहू इतनी देर रात तक आखिर गई कहाँ। क्यों वीरा एक फोन। बलदेव आगे तू आगे तो अपने बिजी दिया है। ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की, उतर जा। अब बंसरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बलदेव पुत्र जो घर आ गया, पुत्र आ ना। हाँ पुत्र आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। अच्छा नहीं बीजी सरपंच बनने के बाद पहली बार घर आ रहा हूं मैं। जब पापा जी सरपंच थे जब वो बाहर से आते थे कोई बड़ा काम करके तो बीजी उनके लिए आरती की थाली लेकर आती थी दरवाजे पे। वीरा को भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए। हाँ वैसे बलदेव पुत्र सही कह रहा है, वीरा को इसकी आरती उतारनी चाहिए। जा वीरा आरती की थाल लेके। कोई आरती की थाल वाल नहीं आएगी इधर। वो उठा के यहाँ आई गया ना तो अपने ही घर है ना, तो कोई खास स्वागत की जरूरत नहीं है इसे यहाँ। क्यों पापा जी, जी आपकी आरती उतारती थी ना तो ये क्यों नहीं कर सकती, वो कहाँ की महारानी है। आरती की थाल लेकर आती हूँ पापा जी। आती हूँ हो की के? हरबाई लाइट को भी अभी जाना था। मैं फ्यूज वेक क्या था। पर जाइए आपके कमरे की दराज में मोमबत्ती और माचिस रखी है, आप वो देख लो जी। रसोई में ना टॉर्च पड़ी थी मैं वो लेके आती हूँ। सच्ची लाइट भी ना। आरती तो तन्नू मेरी उतारनी ही पड़ेगी। हैं? दिया तो मैंने लेकर ही आना था। वो की है ना कि मेरे ससुर जी का बेटा रास्ता भटक गया था। तो उसे राहत खाना भी तो जरूरी था ना, इसलिए रोशनी करनी थी। बहुत होशियार बन रही है तू। जैसे मैं कुछ भी करूं तेनु कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बलदेव अब तू कुछ भी कर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता ना किसी भी बात से। चल ठीक है देख लेता हूं तेनु इससे फर्क पड़ता है या नहीं। देव बलदेव क्या कर रहा है तू? फर्क पड़ गया हैं? अच्छा लगा मैनू तेरे चेहरे पे डर का रंग देख के ना बड़ा मजा आया। मैंने एक बात समझ में नहीं आती कि जब मैं तेरे साथ अच्छे से रहता हूँ तेनू प्यार दिखाता हूँ तो तू मैनू कोड़ी बराबर भी नहीं समझती।
जैसी मैं तेनू तेरी औकात बताता हूँ तेरे दिल में पति के लिए इज्जत जाग जाती है। जैसे जब मैंने तेनू कहा था कि मैं तेनू तलाक दे दूंगा तब तू कैसे बौखला गई थी, मेरे आगे पीछे घूमने लगी थी, तू ऐसे ही गिड़गिड़ा, तभी ये आग बुझेगी। तेनू की लगता है मैं तुझसे घबराती हूँ? नहीं बल्दी, मैं तेरे वास्ते घबराती हूँ, तब भी और अब भी। पहले मैंने लगा था कि तू गलत नहीं था, पहले तूने जो कुछ भी किया था तेरे साथ गलत हुआ था, लेकिन इस बारी तूने गलत किया। तुझ पर कोई जुल्म नहीं था, तुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला था, तू आज जो कुछ भी कर रहा है जिस भी जगह पर अपने कारण, जो कुछ भी हुआ है तेरी वजह से हुआ है, कोई और कारण नहीं है। इसलिए तू ये मत सोचना कि ये सब कुछ करके तू मनु अपने आगे झुकवा सकता है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तू कब तक अकड़ दिखाती है। ये आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक तू इसे बुझाने के लिए मिन्नतें नहीं करेगी। तो फिर बढ़ जाने दे आग बुझे, मैं भी देखती हूँ किस हद तक जा सकती है। तेरा प्यार तो देख ही चुकी हूँ, आज तेरी नफरत भी देख लेती। तेनू पूरा यकीन था आज नहीं तो कल तेनू बलदेव दे सामने झुकना ही पड़ेगा और अपनी गलती माननी पड़ेगी। पीछे ना तो मैं झुकी हूँ और ना ही मैंने अपनी गलती मानी। मैंने जो कुछ भी किया बलदेव से माफी मांगी सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि मैं चाहती थी कि आप ये बीमार होने का छोटा नाटक बंद कर दें। घर में पहले इतना तनाव है, ऊपर से आपकी बीमारी का नाटक, इससे पापा जी बहुत परेशान थे, मैं उनको और परेशानी नहीं देना चाहती थी। घर में तनाव ना तेरी वजह से, मेरी वजह से नहीं, जो कुछ भी हो ना सब तेरी वजह से है। क्या हुआ वीरा की वजह से? कुछ नहीं बलवंत, वो बंसरी वीरा का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसकी वजह से इसका लाल इसका पुत्र घर आ गया। बंसरी, बाकी की बातें बाद में कर लेना जब तू पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। फिलहाल चल, मैं तुझे तेरे कमरे में ले चलती हूँ। आप रजाई जी, और इन्हें रात वाली दवाई भी दे देना।
वीरा, इसलिए है? तू जानती थी ना तूने गलत नहीं किया, फिर भी जाके तूने बलदेव से माफी मांगी, किस लिए? अगर हम इस तरह से उसकी हर मनमर्जी करने देंगे तो फिर तो वो दादागिरी करेगा, क्यों माफी मांगी तूने उससे? पापा जी, मैंने जो कुछ भी किया कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। पापा जी आप जानते हैं कि बलदेव के कारण बीजी कितनी परेशान थी, उनकी तबीयत खराब ही होती जा रही थी, उनको ठीक करना भी तो जरूरी था ना। और फिर ये तो बलदेव का ही घर है ना, हक है उसका इस घर में। और लेकिन पुत्र अगर उसकी मनमर्जी चलती रही ना तो उसमें पापा जी भरोसा रखते हैं ना मुझ पर? ओ पुत्र बहुत करता हूँ लेकिन पापा जी भरोसा रखिए, मैंने सब कुछ संभाल लेना है, सच्ची। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।